जय हिंद। नमस्कार मेरे शेयर चैनल, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी की कट ऑफ को लेकर है। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी में इस बार एक नया ही पंगा हो गया, जो कि कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वापस से पेपर हो रहा है। इसको लेकर अब आपके मन में भी संशय बन गया होगा कि सर इससे क्या नॉर्मलाइजेशन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिन बच्चों का लगभग 16,000 से प्लस ये बच्चे हैं, आप सबने देख लिया होगा, इनका पेपर अब आने वाली 30 तारीख को है। ठीक है, 30-3 को इनका पेपर है। क्या इससे पिछले बच्चों के नॉर्मलाइजेशन पे फर्क पड़ेगा या पूरी ओवरऑल कट ऑफ पे कितना फर्क पड़ेगा? एक सबसे बड़ा पंगा इस बार आप सबने देखा होगा, हर एक बच्चा जो भी एसएससीडी का पेपर देके आया वो सब ये सोच रहा है कि इस बार की कट ऑफ पिछली बार की कट ऑफ से ऊपर जाएगी। उसके पीछे कई रीजन है। सबसे मुख्य जो रीजन है, पेपर बहुत आसान बता रहा हर एक बच्चा। अगर आपने पेपर के रिव्यू देखे हैं या आप खुद भी पेपर देके आए हैं तो आपने भी ये फील किया होगा, या अक्सर उन बच्चों ने ये फील किया होगा कि पिछली बार की बजाय इस बार पेपर आसान था। कैसे? कि पिछली बार मैथ में जो क्वेश्चनों की लेंथ थी वो ज्यादा थी। इस बार आप सबने देखा होगा, यहां तक कि मेरे पास में अकेडमी में लगभग 100 बच्चों से ज्यादा बच्चों का रिव्यू है, उन सब ने ये बोला कि सर हम यहां पर मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन कर पा रहे थे, वहां पर हम 18 करके आए। यानी यहां के बजाय इतना क्वेश्चन आसान था कि हम वहां पर ज्यादा अटेंड कर रहे हैं, और आपका भी यही रिव्यू होगा सेम। दूसरा, पिछली बार हिंदी में व्याकरण काफी आई थी, यानी व्याकरण के कई क्वेश्चन थे, इस बार वो क्वेश्चन नहीं थे। इस बार व्याकरण के कोई क्वेश्चन नहीं थे। जीके पिछली बार की तरह ही सेम थी, और जो रीजनिंग है वो भी पिछली बार की तरह सेम थी, क्योंकि पिछली बार भी सिटिंग अरेंज के क्वेश्चन थे, और इस बार भी जो बच्चों को परेशान कर रहे थे वो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन ही परेशान कर रहे थे, चाहे कंप्यूटर में इधर उधर करने का पंगा हो इन कारणों से। ठीक है, तो रीजनिंग और जो जीके वो तो सेम थी, लेकिन मेन जो फर्क पड़ा वो पड़ा मैथ और हिंदी में। इसकी वजह से इस बार अक्सर बच्चे, साथ ज्यादातर बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर पिछली बार की कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस है क्या? देखो, पिछली बार और इस बार की कट ऑफ को हमको समझने के लिए एक चीज जरूर समझनी है कि पिछले साल क्या था, पोस्ट ऑफ वैकेंसी इस बार के बजाय दुगना था। भाई पोस्ट कितनी थी? 50,000। फॉर्म भी पिछली बार कितने लगे थे? 70 लाख। 70 लाख फॉर्म लगे थे। क्यों? क्योंकि पिछली बार 3 साल का एज में छूट दी गई थी। ठीक है, एज में 3 साल की छूट देने के कारण फॉर्म ज्यादा लगे थे, और कट ऑफ भी पिछली बार की काफी ऊपर थी। लेकिन इस बार बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर पिछली कट ऑफ से इस बार भी कट ऑफ ऊपर जाएगी। तो देखो, आप पेपर का अगर हम देखें लेवल पिछली बार की बजाय इस बार, तो बिल्कुल आसान था। इसमें कोई कहने की शक नहीं है, किसी को भी कोई संदेह नहीं होगा कि पिछली बार का और इस बार का अगर हम पेपर देखें तो यह सीधा सा क्लियर हो जाता है कि पिछली बार की बजाय इस बार पेपर आसान था। लेकिन इस बार 3 साल की छूट नहीं थी, पिछली बार वो छूट थी। अब आपको एक चीज और समझने की जरूरत है यहां पर, अगर आपकी जो फिजिकल की कट ऑफ आएगी, देखो अब आंसर क्या आएगी, 30 तारीख को ये पेपर हो जाएगा, उसके बाद में 5 तारीख तक आपकी आंसर क्या आ जाएगी, यानी 5/4/2024 तक क्या आ जाएगी, आपकी आंसर की आ जाएगी। उसके बाद में फिजिकल की कट ऑफ आएगी, और फिजिकल की कट ऑफ पिछली बार की आपके स्टेट की फिजिकल की कट ऑफ से अगर 5 अंक तक ज्यादा होती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है कि हर एक स्टेट की 5 अंक ऊपर चली जाए पिछली बार की बजाय, लेकिन अगर 5 अंक तक भी ज्यादा होती है तो फाइनल मेरिट पर 1 या 2 नंबर का प्रभाव ही पड़ेगा। ध्यान रखना, जो फाइनल मेरिट है उस पर कितने नंबर का? 1 या 2 नंबर का ही प्रभाव पड़ेगा, इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए बात को? फाइनल मेरिट में अगर कट ऑफ फिजिकली कट ऑफ में 4 से 5 नंबर ऊपर जाती है तो फाइनल मेरिट में जाते जाते 1 नंबर या 2 नंबर पे आ जाएगी। तो पहले बात तो इसको लेकर आपको ज्यादा चिंतित नहीं होना कि इस बार कट ऑफ ज्यादा ऊपर जाएगी। अब आपको मैं बता दूं कि मेरा रिव्यू इसको लेकर इस बार शुरू से क्लियर था, मुझे लगता नहीं कि पिछली बार के कट ऑफ से इस बार कोई ज्यादा ऊपर चल जाए। हो सकता है, देखो 1-2 नंबर का उछाल तो हो ही सकता है क्योंकि पेपर आसान बता रहे सभी, लेकिन पिछली बार पेपर हार्ड था तो एज का जो 3 साल का गैप था ना, वो 3 साल के गैप में जो बच्चे उतरते हैं उनमें ज्यादातर बच्चे वो होते हैं जो तैयारी किए हुए रहते हैं बहुत अच्छी, तो उनका पेपर अटेंड करने का तरीका, उनको एक्सपीरियंस होता है प्लस उनकी तैयारी होती है, तो इससे क्या है कट ऑफ को बहुत खींच देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वो तो चीज हटी गई, तो पिछली बार जो कट ऑफ थी वो काफी ऊपर थी, इस बार के बजाय हम पेपर को आसान मान लेते हैं। पोस्ट ऑफ वैकेंसी डबल, इससे ज्यादा थी, इस बार पोस्ट ऑफ वैकेंसी कम है, वो एक आंकड़ा है जहां पर लगता है कि इस बार हो सकता है कि फिजिकल कट ऑफ पिछली बार की बजाय कई स्टेट में 4-5 नंबर तक ऊपर जा सकती है। लेकिन हाँ,
ये नहीं कि कोई प्रश्न नंबर 15 नंबर ऊपर चले जाए, अगर चार नंबर ऊपर जाने का मतलब है दो क्वेश्चन के बराबर, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, दो नंबर का, तो चार नंबर ऊपर जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ये हद है। अगर तुमको लगता है कि नहीं तो 10 नंबर ऊपर चली जाएगी तो वो गलत फहमी में मत रहना। पेपर कितना ही आसान हो, इतना भी नहीं है कि सबके लिए आसान है, ठीक है। आप क्वेश्चन जब करके आए हो, जब बाहर आते हो फिर बाद में रिव्यू देते हो, उसमें और ओरिजिनल में कई फर्क रहते हैं। अब बात आई कि इन जो अब पेपर हो रहा है इनका क्या होगा। हाँ, अब देखो इनमें से कई बच्चे ऐसे भी है जिनके 24 तारीख को पेपर थे, उनको एक एक महीना हो गया पढ़ाई छोड़े हुए। अब उन बच्चों का पेपर में स्कोर करने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी होगी। अब पेपर करने में प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली उनकी शिफ्ट हार्ड होगी, शिफ्ट हार्ड होगी तो उनको नॉर्मलाइजेशन का अंक अच्छा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जिन बच्चों का पेपर अभी हो रहा है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं, उनको नॉर्मलाइजेशन काफी मदद करेगा इस प्रक्रिया में, ठीक है लाडो। तो लेकर ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पिछली बार की बजाय बहुत ऊपर चली जाएगी, मुझे नहीं लगता बहुत ऊपर जाएगी, हो सकता है मैक्सिमम बता रहा हूं मैं खींच के कि 2 से 4 नंबर तक ऊपर जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर फिजिकली कट ऑफ 4 नंबर ऊपर जाती है तो फाइनल मेट 1 नंबर या 2 नंबर से ऊपर नहीं रहेगी, 1 नंबर ही मान लेना फाइनल मेट में इतना। अगर फिजिकली कट ऑफ ज्यादा जंप कर जाती है, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर कट जाती है तो फिर फाइनल मेट मान लो, अगर ये मान के चलना आप तो 10 नंबर कट जाती है तो फाइनल मेट में 4-5 नंबर का फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो 4-5 नंबर आप सोचो को इतना तो फर्क पड़ने की मुझे नहीं लगता किसी भी कंडीशन में फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आप फिजिकली कट ऑफ को लेकर ज्यादा चिंतित ना हो, पिछली बार का आंकड़ा है उस आंकड़े को आप मजबूती से मान सकते हो कि उसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, और जो आपकी फिजिकली कट ऑफ है वो अप्रैल के महीने में आ जाएगी, 15 अप्रैल, ठीक है लाडलू। जय हिंद, जय भारत।